आज हम सुनेंगे राम कथा की महिमा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता के साथ पिता दशरथ की आज्ञा पालन के लिए वनवास को चल दिए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा यमुना गोमती आदि में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे थे। कार्तिक मास एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी चार पत्तले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता आपने चार पत्तले किसके लिए बनाई हैं? सीता माता बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल मेरी। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा, राम कथा मुझे सुना दो। सीता जी बोली, आप तो मेरे पतिदेव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊंगी? लक्ष्मण जी ने कहा, माता आप मुझे राम कथा सुना दो। सीता जी बोली, आप तो मेरे देवर हैं, औरतों की बातें औरतें ही जानती हैं। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहां से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर एक माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल माल्या कपड़ा बर्तन काम करने की सभी चीजें सोने की थीं। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतों सभी को बहुत गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर सफाई करने वाले तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गईं। वहां पनहारियां पानी भरने आई थीं। उनका मटका झालर ईंधनी सब चीजें सोने की थीं। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी ने भी राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे सब तो गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक दावड़ी आई। सीता जी ने उसे भी राम राम कहा और बोली, तुम मेरी राम कथा सुन लो। दावड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूं। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। दावड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जा रही हूं, मुझे मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर दावड़ी अपने घर को चल दी। सीता जी को उस पर बड़ा क्रोध आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। दावड़ी की माँ ने पूछा, जेवर मटका ईंधनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? दावड़ी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो जो पहने हुए थी वही लेकर आई हूं। पर कुएं पे एक बहुत ही सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी, उसने कहा था कि मेरी राम कथा सुन लो, परंतु मैंने तो मना कर दिया, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया होगा तो पता नहीं मुझे। माँ बोली, जाओ और उसकी राम कथा सुनाओ, वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी हैं। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। दावड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। इतने में बेटे की बहू वहां आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कराऊं माँ, और रामकथा भी सुनाऊंगी। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की रामकथा सुनकर आना, गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई, खाली मटका पानी से भरती और फिर खाली कर देती। यह देखकर सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता मैं तो सारा काम निपटा कर आई हूं। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता कहा है, यह सुनकर मेरा मन हर्षित हो रहा है, अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली,
हाँ माता, आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता माता ने राम कथा कहनी शुरू कर दी और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा पानी भर लाई राम, से परिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम, कढ़ा कलिंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बैठो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाम लागू राम, निरख तरो मन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो ओ राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो श्री राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे करे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सबके काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा न रखना राम। राम कथा पूर्ण हुई तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका और सिर का झालर इंडनी हीरा से झिलमिला रहे हैं, ये सारी चीजें तो कहां से लाई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूं, उन्हीं की कृपा से यह सब कुछ मुझे मिला है। सासू बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनकर आया करो। बहू रोज सीता जी के पास जाकर राम कथा सुनने लगी। सुनते सुनते एक वर्ष बीत गया। तब बहू ने कहा, माता कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, सात लड्डू एक नारियल लेना और उसके सात भाग करना, एक भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना फल मिलेगा, एक भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा, एक भाग भागवत पर चढ़ाना उससे भागवत सुनने का फल मिलेगा, एक भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा, एक भाग कुआरी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा, एक भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा, और एक अंतिम भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना उससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर आ गई, सात लड्डू और एक नारियल लाई, उसने उसके सात बराबर भाग किए, एक भाग मंदिर में, एक भाग तालाब में, एक भाग भागवत में, एक तुलसी में, एक कन्या को, एक ब्राह्मण को और एक सूर्य भगवान को चढ़ा दिया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता मैंने सबका उद्यापन कर दिया है। सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। सो 7 दिनों के बाद वैकुंठ धाम से विमान रिमझिम रिमझिम करता हुआ आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, बहू मैं अकेली कैसे जाऊं,
अपने ससुर जी को भी ले चल, अपने माता पिता को भी ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीलों को सभी को ले लो, अड़ोसी पड़ोसियों को भी लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में नंदरानी आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान में बिठा लो। माता ने देखा विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता हमारी नंद को भी बिठाओ। सीता जी बोली, तुम्हारी नंद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, वह टूट जाएगा। नंद बोली, भाभी मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी, मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी बोली, अपनी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देखकर नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू तुमने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया जो सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैठकर वैकुंठ धाम जा रहे हो? आपने रामायण का पाठ किया, गीता का पाठ किया या कोई और अखंड पुण्य किया है जिससे स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।